इसी से एसोसिएटेड जब मतलब हम लोग का ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक है बेसिकली, हम लोग अमीनो एसिड का हीटिंग कर सकते हैं। अमीनो एसिड के हीटिंग में चाहिए रिएक्शंस में दे भी रखे हैं। तो जैसे हम लोग हाइड्रोक्सी एसिड्स का हीटिंग कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम टाइप से हम लोग अमीनो एसिड का हीटिंग कर सकते हैं। अब अमीनो एसिड का हीटिंग किस टाइप से होगा? सो पहला सिचुएशन, हम लोग अल्फा अमीनो एसिड लेके काम कर सकते हैं। सो अल्फा अमीनो एसिड का मतलब कोई भी कार्बन चेन, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये है पहले वाले कार्बन पे एनएच टू ग्रुप होना चाहिए। सो ग्लाइसिन की हम बात नहीं कर रहे, ग्लाइसिन अगर होता तो यहाँ सी एच टू हो जाता। कोई भी अमीनो एसिड ले लो बट वो अल्फा कार्बन पे ही होना चाहिए। सो सबसे पहला केस अल्फा अमीनो एसिड है। बट चलो एक काम करते हैं, हम लोग ग्लाइसिन का एग्जाम्पल लेके काम करते हैं, हम लोग का सबसे छोटा बेसिकली अमीनो एसिड है। सो पहले वाले केस में क्या होगा? सो पहले हम लोग ऑक्सीजन से मतलब हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट में ऑक्सीजन से एच हटाते थे और कार्बोक्सिलिक एसिड से वो एच हटाते थे। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से वो एच हटेगा और नाइट्रोजन से एच हटेगा। पहले ओ एच से हट रहा था एच, अभी नाइट्रोजन से मतलब एन एच टू से एच हट रहा है। सो हट तो एच टू ही रहा है, अभी भी हीटिंग करने पर डिहाइड्रेशन ही हो रहा है। सो हम लोगों का प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड क्या होगा? अगर हम लोग का अल्फा पे रिएक्शन हुआ, सो ओ एच हटा, एच हटा, नाइट्रोजन वाला पार्ट कार्बन से अटैच हुआ, इसका मतलब फिर से वही चीज हुआ कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन अटैच हुआ और तीन मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। बट क्योंकि तीन मेंबर रिंग बहुत अनस्टेबल है तो नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर हम लोग के पास दूसरा चॉइस क्या है? सो दूसरा चॉइस है कि हम लोग इस तरह के दो मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन करा लें। सो दो मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन कराने का मतलब है हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर सामने सामने रख के काम कर सकते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे एन एच टू के फॉर्मेट में रिएक्शन करा लिया। सो एक जगह से एच टू हटा, दूसरी जगह से एच टू हटा। अब अगर दोनों जगह से एच टू हटा, सो नाइट्रोजन कार्बन से अटैच हुआ, नाइट्रोजन कार्बन से अटैच हुआ, पहला एटम, दूसरा एटम, नाइट्रोजन तीसरा एटम, कार्बोनिल कार्बन चौथा एटम, फिर कार्बन पांचवा एटम और नाइट्रोजन छठा एटम। सो एक सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। सो दो कार्बन, नीचे भी दो कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डायगोनली ऑपोजिट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ एक एक एनएच ग्रुप है जो इन दोनों को कॉमनली जोड़ रहा है। सो ऐसा सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ जैसा पहले भी हो रहा था, ध्यान रखना। सो जब हम लोग बीटा अमीनो एसिड में जाएंगे तो मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बट अगर बीटा अमीनो एसिड में जाएंगे तो क्या होगा? सो सिंपल सा चीज है, बीटा अमीनो एसिड वाले पार्ट में हम लोगों का ना चार मेंबर रिंग बनेगा ना आठ मेंबर रिंग बनेगा। सो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर बीटा अमीनो एसिड दे रखा सो हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में हीटिंग करने पे इलिमिनेशन हो जाएगा और इलिमिनेशन होकर के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सी ओ एच ग्रुप का फॉर्मेशन होगा जैसा हाइड्रोक्सी एसिड में था। सेम सिचुएशन हाइड्रोक्सी एसिड में इन सब चीजों का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। सो अब इसके बाद अगला पार्ट क्या है? सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर गामा वाले पार्ट में जा सकते हैं, गामा के बाद डेल्टा में जा सकते हैं, डेल्टा के बाद हम लोग कुछ उसके आगे भी जा सकते हैं। सो जैसे मान लो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया। जब हम लोग गामा में गए थे तो फाइव मेंबर रिंग बना था, अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए इस चीज का हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट में। सो जब हम लोग अल्फा में थे तो अलग रिएक्शन हुआ था, जब हम लोग बीटा में गए तो अल्कीन बन गया, बट जब हम लोग गामा हाइड्रोक्सी एसिड में गए तो फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हुआ। जब हम लोग डेल्टा में जाएंगे तो सिक्स मेंबर का फॉर्मेशन होगा। सो अगर सिमिलर टाइप के बिहेवियर पे हम लोग थोड़ा एक बड़ा स्ट्रक्चर ट्राई करके देखें, जैसे मान लो ये पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर तो हो गया, इसको ट्राई करके देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये नहीं चाहिए, बीटा कार्बन हो गया, ये भी नहीं चाहिए, गामा कार्बन हो गया, ये भी नहीं चाहिए, डेल्टा कार्बन हो गया, ये भी नहीं चाहिए, इसके आगे वाले कार्बन को OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस केस में क्या होगा? सॉरी OH नहीं, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। सो इसके इस केस में क्या होगा? सो कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है, NH से या NH2 से H हटेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाएंगे। सो नाइट्रोजन वाला पार्ट कार्बन पर अटैच होगा, अगर नाइट्रोजन कार्बन पर अटैच हुआ सो नाइट्रोजन पहला एटम, कार्बन दूसरा एटम, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, बेसिकली एक सेवन मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर कर रहे हैं इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। सो सेवन मेंबर रिंग बन जाना चाहिए इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, और नाइट्रोजन से अटैच कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। इस कंपाउंड का आपको नाम याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम, और कैप्रोलैक्टम को हम लोग नाइलॉन सिक्स के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। बेसिकली कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन सिक्स, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना।
ये इन्फॉर्मेशन भी अपने काम का है. सो हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चार सिचुएशंस हैं. पहला सिचुएशन हम लोगों का जो हीटिंग हम लोग कर रहे हैं वो इससे हो जाए, सोडा लाइम की प्रेजेंस में हो जाए. सो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना है. सोडा लाइम एक मतलब यूनिक केस है. बट दूसरा सिचुएशन कि हम लोगों का सोडा लाइम ना हो, हीटिंग हो. सो हीटिंग में हो सकता है बीटा गामा सैचुरेशन हो तो फिर से डी कार्बोक्सिलेशन होगा. अगर बीटा गामा सैचुरेशन नहीं हुआ तो डिहाइड्रेशन हो करके कुछ फिर प्रोडक्ट बनेगा. और कभी कभी हायर रिंग्स में डिहाइड्रेशन प्लस हम लोगों का ये डी कार्बोक्सिलेशन दोनों हो जाएगा. बट जब हम लोग हाइड्रोक्सी एसिड्स में हीटिंग करेंगे तो हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट में हम लोगों को साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल सकता है, इलिमिनेशन मिल सकता है, या साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन मिल सकता है, सॉरी ईस्टर का फॉर्मेशन मिल सकता है. सेम चीज हम लोगों के अमीनो एसिड में होता है. सो कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग से एसोसिएटेड ये चार सिचुएशंस हैं जिसमें हम सोडा लाइम का डीकार्बोक्सिलेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बहुत ही सिंपल सा केस है. अगर तुम्हें से किसी को भी उस टॉपिक में डाउट है तो बोल देना, उसका हम अलग से एक वीडियो बना करके भी डाल देंगे ग्रुप में या फिर यूट्यूब पे डाल देंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या होता है. सो प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देंगे. बट हम मान के चल रहे हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन इतना स्पेसिफिक चीज है, इतना सिंपल चीज है कि वो सब लोगों को आता होगा. बाकी ये जो हीटिंग इफेक्ट से पार्ट्स है ये थोड़े स्पेसिफिक है, ये हम लोग नॉर्मली भूल जाया करते हैं. लेकिन इसमें केसेस फिक्स हैं. अगर सवाल होगा तो इन्हीं पार्टिकुलर फॉर्मेट से सवाल होगा. इसमें कुछ नया सिचुएशन हम लोग एडअप नहीं कर सकते हैं. थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का. कोई डाउट आया इतने देर तक में तो पूछ सकते हैं. कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो. ठीक है. सो अगर डाउट नहीं है तो